अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल न्यूज़ हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC पर। सो, क्या होता है कि सबसे पहले जब TMC पार्टी पिछले 15 सालों से जीतती आ रही है, लगातार जीतते आ रहे हैं, चूँकि पश्चिम बंगाल के लोग हिंदू मुस्लिम दलित सब एक तरफा होकर TMC को सपोर्ट करते हैं, TMC को अपना एक लीडर मानते हैं और TMC की सरकार बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर दलित हर कोई TMC को अपना एक रहनुमा मानकर TMC की सरकार बनाते हैं ताकि वो यहाँ पर BJP की सरकार ना जमा सके, BJP यहाँ पर सरकार ना बना सके। लेकिन क्या होता है, जब इन सब पर भरोसा करने के बाद TMC कार्यकर्ता, TMC के लोग, TMC के MLAs, MPs जाकर BJP में ज्वाइन हो जाए तो फिर एक झटका लगता है यहाँ के लोगों को। आप में से अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले अभी TMC के 15 से ज़ायद लोग BJP में शामिल हो गए, BJP में ज्वाइन हो गए। इससे पहले भी 40 से ज़ायद सेकुलर TMC के BJP में ज्वाइन हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि आप लोगों को पता है कि क्यों आखिरकार यहाँ की पब्लिक को TMC की सरकार धोखा दे रही है, जबकि यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती कि BJP की सरकार बने बंगाल में, लेकिन फिर भी TMC के कार्यकर्ता वर्कर्स जाकर BJP में ज्वाइन हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह सिर्फ 3 है। पहली वजह यह है कि जब इलेक्शन के वक्त जब भी कुछ भी होता है तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो कि एक तरफा होकर BJP और मोदी को सपोर्ट करती है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी। और दूसरी वजह क्या है, जो कि जब भी कोई चोरी, कोई MLAs, MPs, चूँकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो इस वक्त अगर वो MLAs चोरी करते हैं, पब्लिक के पैसे में घोटाला करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको खा लेते हैं, पब्लिक को नहीं देती, जब ये बात सरकार को पता चलती है, BJP को मालूम होती है, तो BJP के तरफ से सेंट्रल से उनके यहाँ पर पुलिस आती है और आप कहते हैं कि हम चोरी को आपकी पकड़ी गई है, आपने चोरी किया, पैसे को खाया है, इतने पैसे को खाया है, या तो आप BJP में ज्वाइन हो जाए या जेल के सलाखों के पीछे ज़िंदगी बिताते रहे। तो ये चोर MLAs उनके पीछे चले जाते हैं, उनसे ज्वाइन हो जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। फिर तीसरी वजह क्या है, तीसरी वजह ये है कि जब भी कोई भी MLAs, MP कोई भी अगर पावर वाले होता है तो उसको 20 करोड़ से 100 करोड़ तक का ऑफ़र दिया जाता है और ये इसी लालच में आकर ये MLAs, MPs आकर इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि मतलब TMC के कार्यकर्ता वर्कर्स, MLAs, MPs क्यों जाके BJP में शामिल हो जाते हैं? क्या इसीलिए पश्चिम बंगाल की पब्लिक चुनती है कि वो जाकर TMC से BJP में ज्वाइन हो जाए? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को ऐसे धोखा देते रहेंगे ये दूसरे पार्टी, दिगर पार्टी के जाकर, जबकि पश्चिम बंगाल के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ पर BJP की सरकार बने? अधिक लोग नहीं चाहते, सोशल मीडिया से आप जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से अधिक लोगों को मालूम ही है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, किस तरीके से माहौल चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या लोगों के भरोसे को ऐसी तरीके से तोड़ा जाएगा? जबकि लोग पिछले 15 सालों से TMC को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से कि वहाँ पर वो 15 सालों से BJP की सरकार नहीं बनाना चाहते, चूँकि इसलिए वो कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं कि उनको TMC एक ऐसी पार्टी है जो कि हमें BJP से लड़ने में मदद करेगी। लेकिन जब ऐसा ही इसका ही उल्टा हो जाए तो यहाँ की पब्लिक को कैसा सदमा लगेगा, क्या होगा, क्या बीतेगी आप पर अगर आप एक ऐसे पार्टी को चुनते हैं जो कि दूसरे पार्टी के मुखातिब में बहुत पावर, शक्तिशाली हो और उस पार्टी को ना आने दे। तो अगर वही पार्टी दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन हो तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी सारे सवाल हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी बनता है कि कब तक लोगों को ये धोखा दिया जाएगा इस तरीके से, BJP में कब तक आखिरकार TMC जाकर शामिल होते रहेंगे? इससे पहले भी सोशल मीडिया से आप जितने भी लोग जुड़े हैं आप सबको पता होगा कि 40 से ज़ायद सेकुलर TMC के BJP में जाके ज्वाइन होते हैं, उससे पहले 5 और भी ज्वाइन हुए और अब 15 लोग जाकर 3 अगस्त को ज्वाइन हुए हैं, 15 से ज़ायद लोग जाकर TMC के BJP में ज्वाइन हो गए। BJP को लोग यहाँ पर, TMC को लोग यहाँ पर सरकार बनाते हैं ताकि BJP यहाँ पर सरकार ना बना सके, लेकिन अगर TMC इस तरीके से लोगों को धोखा दे तो फिर ये किस तरीके का, आप सोचिए कि क्या बीतेगी आप लोगों पर। पश्चिम बंगाल के लोगों को, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पब्लिक को यहाँ पर एक तरीके से बेवकूफ़ भी बना जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे, इस बात को समझनी चाहिए। इस वक्त इलेक्शन के वक्त कुछ भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त अभी कुछ नहीं हो रहा, जबकि ऐसे कोरोना काल में इस वक्त लोगों की ज़रूरत है, इस वक्त वो जाके BJP से मिल रहे हैं। सो, हमारी ये छोटी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।